नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में कोतवाली सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव बिलसुरी के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार रोडवेज बस अनियंत्रित होकर कई पलते खाते हुए अचानक खाई में जा गिरी। रोडवेज बस NH 51 पर तेज रफ्तार से दौड़ रही थी, उसी दौरान अचानक सामने से कार आ गई, जिसकी वजह से बस का बैलेंस बिगड़ गया और पलटते हुए खाई में जा गिरी। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 2 दर्जन से अधिक यात्री जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने लोगों की मदद से बस के अंदर फंसे सभी घायल यात्रियों को रेस्क्यू कर निकाला है। वहीं लगातार राहत बचाव कार्य लगातार तेजी से चल रहा है और स्थानीय लोग भी रेस्क्यू में मदद कर रहे हैं। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां सभी घायलों का उपचार चल रहा है। गाजियाबाद डिपो की बस बताई जा रही खेत में धान की रोपाई करने आए कई किसानों की बस के नीचे दबने से मौत हुई है, क्योंकि अचानक बस खाई में पलट गई थी, जिसकी वजह से किसान भी बस की चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि बुलंदशहर की ओर से बस गाजियाबाद की ओर जा रही थी, उसी बीच कोतवाली सिकंदराबाद क्षेत्र के गांव बिलसुरी के पास घटना हुई। सूचना के बाद DM SSP भी मौके पर पहुंचने के बाद जिला अस्पताल में जाकर सभी घायलों का हाल जाना है। कई लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। कहाँ के रहने वाले हैं? धौलपुर, राजस्थान। क्या मामला था आपके सामने, जो एक्सीडेंट हुआ, क्या मामला है? इतना तो सर नहीं पता है, लेकिन वहाँ से ऊपर छत पे था मैं, वहाँ से डायरेक्ट गाड़ी का बैलेंस बिगड़ा है। इधर से कोई कार थी ओवरटेकिंग के मामले में, वहीं से बैलेंस बिगड़ा है। और ये रास्ते में 5 सवारियाँ जा रही थी धान लगा के, उनको डायरेक्ट ठोकर मारी है और सीधी गए। कितने लोग इसमें घायल? कितने मौत हो गई यहीं पर और 3 घायल हैं। बस के आदमी जितने भी थे वो सब सेहत हैं, भगवान की कृपा से। बस इतना सर हमें पता है और बाकी कुछ नहीं पता। फिर तो हम लग गए हैं इसमें।